What's up everyone, this is Deepak Sigoil. This is Tarun Sigoil. And welcome to Make the Fitness. आज हम करने वाले हैं 15 मिनट फुल बॉडी कोर एंड कार्डियो वर्कआउट. शुरुआत करते हैं वार्म अप से. सबसे पहले दोनों हाथ आगे की ओर 5 बार 1 2 3 4 and 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 एल्बो सर्कल्स 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 बैकवर्ड बेंडिंग 5 4 3 2 and 1 फॉरवर्ड बेंडिंग 5 4 3 2 1 ट्विस्टिंग 1 2 3 4 हिप रोटेशन 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 नी रोटेशन 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 काफ रेज 1 2 3 4 5 शोल्डर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन 1 2 3 4 साइड रेज 1 2 3 4 5 प्रेस 1 2 3 4 5 फ्रंट रेज 1 2 3 4 5 रियर फ्राई 1 2 3 4 शोल्डर फॉरवर्ड स्ट्रक 1 2 3 4 5 पीछे की ओर 1 2 3 4 5 नेक अप डाउन 3 2 1 साइड टू साइड 1 2 3 अपने आसपास 1 2 3 रोटेशन 1 2 3 एंटी क्लॉक 1 2 and 3 बहुत बढ़िया पूरी बॉडी का वार्म अप कर लिया है. स्टार्ट करें वर्कआउट. यस 15 सेकंड आपके पास. तैयार हो जाइए. सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं जंपिंग जैक्स. इसलिए जंपिंग वार्म अप में हमने लिया नहीं है क्योंकि पहले एक्सरसाइज उसी के लिए है. अच्छे से बॉडी का वार्म अप हो जाएगा. 1 go आराम से अपने लेवल पर कीजिए. इजी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं. वार्म अप है. बॉडी का और ज्यादा अच्छा ब्लड फ्लो इंक्रीज होने दो. हार्ट रेट अप आने दो. रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने दो. मैं थोड़ा ज्यादा जंप कर सकता हूं ऐसा लगता है मुझे. क्यों बताएं? क्योंकि बाल ऐसा लग रहा है थोड़ा लोड हल्का हो गया है. बढ़िया. 6 5 3 सेकंड है. 1 and rest. प्रोटोकॉल आपको पता है 40 सेकंड वर्क करना है 20 सेकंड रेस्ट मिलेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमें बैठ के करना है. रशियन ट्विस्ट. डेमो हो जाए इस तरह से. चलिए 1 कीप ब्रीदिंग. यस आराम से अपने लेवल पर कीजिए. इजी कीप ब्रीदिंग एंड कीप डूइंग इट. हर रिपीटेशन पर सांस बाहर निकालनी है. अगर आपको एडवांस करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ. आपके लेग्स को ऊपर उठा लीजिए. बैलेंस में थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी. अगर बैलेंस डिफिकल्ट है तो आप इस तरह से लेग नीचे रख के भी कर सकते हो. कंटिन्यू 6 5 4 3 2 and 1 फैंटास्टिक. गुड कंट्रोल. वेरी नाइस. गुड जॉब. कम ऑन सेकंड. थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है हाई नी जैक्स. 1 2 1 and 2 इंटेंसिटी ऐड करने के लिए सिंपल है. जंप ऐड करो. यस गो 1 2 1 2 एंजॉय दी वर्कआउट. यूज अ फुल बॉडी. अच्छी एनर्जी के साथ गुड फॉर्म में वर्कआउट करना है. यस कोई वर्कआउट ग्रेट नहीं होता है. आप किस फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हो उसे ग्रेट बनाता है. सो
बी इन अ गुड फॉर्म टू गेट द बेस्ट बेनिफिट. कम ऑन, लास्ट 5 seconds टू गो. कम ऑन, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बट किक्स. मैं दिखाता हूं इस बार, ये ये ये, हिल टू बट, हिल टू बट, हिल टू बट. वन वन स्टार्ट करेंगे, गो. लो इंटेंसिटी, सिंगल लेग, और थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी है, इंपैक्ट बढ़ाना है, देन जंप एंड किक. अपने लेवल पर बेस्ट करना है, अपने लेवल पर. जस्ट अगर बॉडी वार्म नहीं हुई है, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए थोड़ा और एक आधा एक्सरसाइज में, फिर थोड़ा सा पुश कीजिए. बहुत से लोग पूछते हैं ट्रेडमिल नहीं है तो कार्डियो कैसे करें, तो ये वर्कआउट आप सभी लोगों के लिए है. होम कार्डियो, यू डोंट नीड ट्रेडमिल टू गेट गुड कार्डियो वर्कआउट. बहुत बढ़िया, काफी अच्छा हार्ट बीट ऊपर आ गया होगा. अब धीरे धीरे हम थोड़ा एफर्ट इंक्रीज करेंगे. नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो है एल्बो टू नी क्रॉस. यस यस, आपका लेग्स बाहर निकलेगा, हाथ यहां पर ऊपर, यहां से ब्रीथ आउट एंड क्रंच. लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 ब्रीथ आउट, 7 ब्रीथ आउट, 8 ब्रीथ आउट, 9 10 लेग चेंज हैंड. 1 2 3 4 5 6 come on, 7 8 9 10 leg change, 1 2 3 4 speed up, 5 6 7 8 9 10 leg change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्या बात है, जबरदस्त, फैंटास्टिक, गुड फॉर्म. द नेक्स्ट इज सीटेड नी टक इन. इस तरह से आ जाना है, हाथ को पीछे सपोर्ट देना है इस तरह से. यहां से ब्रीद आउट, नी को चेस्ट की ओर खींचना है, वापिस नीचे रखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से, 1 2 3 4 5 लेग जमीन में रखोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, कॉन्स्टेंट ऊपर रहेगा, डिफिकल्ट होगा. जो आपको चैलेंज करता है उससे आप कर सकते हो. लास्ट करना है 7 seconds. 6 5 4 3 2 1. नेक्स्ट इज हाई नी. ये लो इंपैक्ट करना है, सिंपल रेज योर नीज अप, सिंपल सा उठाइए, थोड़ी इंटेंसिटी ऐड करनी है, जंप ऐड कीजिए. अभी तो मैं फैन ऐड करता हूं, पंखा चलाना पड़ेगा. लेट्स गो. लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, चूज योर लेवल, लेकिन बेस्ट करना है. कम ऑन, यस यस, 15 मिनट वर्कआउट, बेस्ट देना है अपना, मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है यहां से. 15 सेकंड्स लेफ्ट, स्पीड अप, कम ऑन, 5 seconds, 4 3 2 1. चैलेंजिंग, क्रॉस जैक करेंगे, सैंपल. 1 2 1 2 गुड. हाथ खोलेंगे बाहर, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. बैक के मसल को भी स्क्वीज करो. Legs back, legs back, legs back, legs
बैक लेग्स बैक लेग्स बैक कम ऑन 10 सेकंड टू लेफ्ट फुल बॉडी कार्डियो फैंटास्टिक कीप डूइंग इट जस्ट आराम से आई नो अब धीरे धीरे चैलेंज बढ़ रही है वही तो वर्कआउट है ना पंचीस पंचीस कैसे करेंगे गो ब्रीद आउट एंड एवरी पंच ब्रीद आउट ब्रेस योर कोर मसल एंड पंच ब्रेस योर कोर मसल एंड पंच यस Keep punching, keep punching, keep punching, keep punching. Yeah. Right. 15 seconds left. Right. Keep punching. Last 5, 4, 3, 2, and 1. ये हुई ना बात. तीन एक्सरसाइज बाकी है. नेक्स्ट इज स्पॉट जॉग यस अपनी ही जगह पे जॉग करना है जॉगिंग 150 हार्ट बीट है चलिए टू एंड वन काफी लोग कहते हैं थोड़ा हार्ड कार्डियो वर्कआउट दिखाओ हार्ड वर्कआउट कार्डियो वर्कआउट दिखाओ तब वर्कआउट जो है वो डिपेंड करता है हमारे खुद के एफर्ट लेवल से हम कितना जोर लगाते हैं उससे इंटेंसिटी डिटरमाइन होती है उससे आपका बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है जैसे मैं अभी इस तरह से कर रहा हूं मेरे लिए थोड़ा आसान है अगर इसे मुझे डिफिकल्ट बनाना है कम ऑन 15 सेकंड गिव योरसेल्फ बेस्ट गिव योर बेस्ट लेट्स गो 10 सेकंड टू गो कम ऑन स्पॉट जॉगिंग कम ऑन 5 सेकंड टू गो 4 3 2 1 सेम स्पॉट जॉग लो इंटेंसिटी वर्सेस हाई इंटेंसिटी चूज योर लेवल द नेक्स्ट इज ट्विस्ट जंप चलिए यस यस लो इंटेंसिटी करना है जंप कर सकते हो तो ठीक है लो इंटेंसिटी करना है जस्ट डू ट्विस्टिंग अपने ही लेवल पे जस्ट डू ट्विस्टिंग इंटेंसिटी ऐड करनी है जंप कर सकते हो जस्ट जंप एंड ट्विस्ट जंप एंड ट्विस्ट जंप एंड ट्विस्ट रॉक एंड रोल बेबी यस यस 15 सेकंड लेफ्ट कम ऑन इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बाकी है बॉडी में कुछ नहीं बचना चाहिए सारा एफर्ट लगा दो 5, 4, 3, 2 and rest. Fantastic. आज के सेशन की सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी है अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है क्या कहते हो 20 सेकंड लो इंटेंसिटी 20 सेकंड वेरी हाई इंटेंसिटी पर परफॉर्म करेंगे हम दिखा दो फास्ट फीट यस आराम से जस्ट 20 सेकंड्स 20 सेकंड उसके बाद जो होगा वेरी एक्सप्लोसिव मूवमेंट विल डू कम ऑन थ्री टू एंड वन लेट्स गो कम ऑन 15 सेकंड लेफ्ट यस कम ऑन यू कैन पुश इट यस Last 5, 4, 3, 2. Fantastic. Cardio workout at home. कौन कहता है घर पे एक्सरसाइज करना आसान होता है? Thank you. Congratulations. आपको भी कूल डाउन करेंगे कम ऑन 161 हार्ट बीट्स 161 चलिए आपका हाथ उठा के कान से लगा दीजिए राइट हैंड ब्रीद इन एंड लेफ्ट साइड ट्विल्ट नज़र सामने रखना है चेस्ट सीलिंग की तरफ
5 4 3 2 हाथ बदलेंगे, दूसरा हाथ नजर सामने, चेस्ट लिफ्टेड, थ्री टू एंड वन, बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ की उंगलें इंटरलॉक, बैकवर्ड बेंडिंग ऊपर की ओर, 5 4 3 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं हाथ को लॉक करके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया, दोनों लेग को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट साइड जाएंगे हम हेड नी की तरफ, साइड चेंज, फोर थ्री टू, एकदम नीचे बैठ जाएंगे, सूज निकाल दीजिए, बटरफ्लाई क्रॉस लेग बैठ जाइए, उंगलियां फंसा दीजिए, बैक स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग, हार्ट बीट को धीरे धीरे नीचे आने दो, ध्यान अपनी सांसों पर, दोनों लेग सामने, हाथ ऊपर इन फॉरवर्ड बेंडिंग, जस्ट होल्ड हियर, अगर आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं आप नैपकिन ले लीजिए, उसे डाल दीजिए और होल्ड करके रखिए, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, एक लेग बैंड करके पीछे वज्रासन करेंगे, दूसरा लेग, अपनी सांसों पर लगाएंगे, 20 सेकंड, बॉडी में चल रही गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे उस गतिविधि को नीचे लाइए, सांस धीरे धीरे नीचे आएगी, हार्ट बीट नीचे आएगी, उस पर ध्यान दीजिए, क्या कहते हो आप, मजा आया? बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और इस तरह के वीडियोस का पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाया है, गेट फिट फ्रॉम होम वर्कआउट प्लेलिस्ट, जो यहां पर आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द टेस्ट। क्या बात है।